नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मीनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, यह हर महिला के जीवन में आने वाला एक नॉर्मल पड़ाव है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मीनोपॉज क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और यदि कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और हम महिलाएं हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं कि ये पड़ाव स्मूथली पास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर महिला में 45 से 55 के बीच में हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है। हाँ, पर किसी किसी में कोई मेडिकल कंडीशन के कारण, जैसे हिस्टेक्टमी वगैरह के कारण या कोई और मेडिकल कंडीशन के कारण ये जल्दी भी आ सकता है। अब हम यह समझेंगे कि महिलाओं में मीनोपॉज आता क्यों है। एक्चुअली होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव की एज में महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे कि उनको मेंसेस आता है या महावारी आती है। लेकिन एक उम्र के बाद महिलाओं में इन दोनों हार्मोन का लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उनका मीनोपॉज आ जाता है। हर महिला में मीनोपॉज का टाइम अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम तीन स्टेज में बांट कर समझते हैं। नंबर वन पेरी मीनोपॉज, नंबर टू मीनोपॉज और नंबर थ्री पोस्ट मीनोपॉज। नंबर वन पे है पेरी मीनोपॉज। इसमें क्या होता है कि ये जो पीरियड है ये मीनोपॉज के पहले शुरू हो जाता है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है और लगभग ये 2 से 8 साल तक चलता है, और ये फीमेल के 40s में शुरू हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि फीमेल का लास्ट मेंसेस ना आ जाए। अब नंबर टू स्टेज है मीनोपॉज। इसमें होता क्या है कि जब फीमेल का मेंसेस आना बंद हो जाता है और उसके 1 साल तक उसकी महावारी फिर से रिपीट नहीं होती, फिर से नहीं आती, तो इस पीरियड को हम मीनोपॉज पीरियड बोलते हैं। नंबर तीन पीरियड होता है पोस्ट मीनोपॉज। ये हर महिला में मीनोपॉज के बाद आता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड हर महिला में अलग अलग हो सकता है, और सारे पोस्ट मीनोपॉजल जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इसी टाइम पर शुरू होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। महिलाओं में पेरीमीनोपॉजल में और मीनोपॉजल पीरियड में बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें नंबर वन पर होता है हॉट फ्लशेस, मतलब जो पेशेंट होता है, जो महिला होती है, उसे बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीने आने लगते हैं, और यह पीरियड जो होता है ये मीनोपॉज के कुछ समय पहले भी शुरू हो सकता है, और किसी किसी को बहुत लंबे समय तक ये तकलीफ बनी रहती है। इसमें नंबर टू जो साइन होता है वो होता है इरेगुलर मेंसेस। किसी भी महिला में मीनोपॉज का पहला साइन जो होता है वो इरेगुलर मेंसेस ही होता है। किसी किसी में मेंसेस जो होते हैं प्रीपोन्ड होने लगते हैं, किसी किसी में पोस्टपोन्ड होने लगते हैं, किसी किसी में स्कैंटी होने लगते हैं, मतलब कम आने लगते हैं, और किसी किसी में बहुत ही हैवी फ्लो आने लगता है। इसमें नंबर तीन सिम्टम होता है वेजाइनल ड्राइनेस। महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या देखी गई है इस टाइम पे, और साथ में उनको वेजाइनल हिस्से में खुजली या इचिंग भी महसूस होती है। अब नंबर चार है कि पेशेंट को स्लीप में भी डिस्टरबेंस देखा गया है, एंग्जाइटी के कारण या हॉट फ्लशेस के कारण उनको बहुत पसीने आते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है, और उनको पेशाब के लिए या बाथरूम के लिए भी बार बार उठना पड़ता है। महिलाओं में मीनोपॉज के टाइम पे बहुत सारे इमोशनल चेंजेस देखे गए हैं। उसमें नंबर वन पर होता है कि पेशेंट का मूड स्विंग होता रहता है, मतलब उसका मूड चेंज होता रहता है। कभी वो खुश होने लगती हैं, कभी वो दुखी होने लग जाती हैं, कभी वो रोने लगती हैं बिना किसी कारण के। कभी कभी महिलाओं में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यदि यह डिप्रेशन लगातार 2 महीने तक बना हुआ है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। महिलाएं चिड़चिड़ी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और कभी कभी जो महिलाएं होती हैं उनमें क्राइंग स्पेल्स आते हैं, मतलब वो बात बात पर रोने लगती हैं।
इन साइन और सिम्टम्स के अलावा महिलाओं में और भी फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पेशेंट होता है, जो महिला होती है, उनको वजन उनका बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। नंबर टू, उनके हिप्स के हिस्से पे और कमर के हिस्से पे चर्बी बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। और नंबर तीन, क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनको अपनी यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, छींकने खांसने पे यूरिन पास हो जाती है और पेशाब बार बार जाना पड़ता है, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन पे कोलेजमा मेलेजमा जैसे फेस पर पैचेस होने लगते हैं। लगभग एक तिहाई महिलाओं में ये समस्या भी देखी गई है कि उनको मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो फोकस नहीं कर पाती हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं मीनोपॉज के दौरान। अब हम बात करेंगे पोस्ट मीनोपॉजल कॉम्प्लिकेशन के बारे में। एक्चुअली मीनोपॉज के कारण कोई डायरेक्ट साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मीनोपॉज के पीरियड में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण ज़रूर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। उसमें नंबर वन पे ये होता है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल जब मीनोपॉज की एज में कम हो जाता है तो उनका बोन मास कम होने लगता है। जब बोन मास कम होता है तो उनकी बोन जो होती है वीक हो जाती है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नंबर टू कॉम्प्लिकेशन देखा गया है CVD, मीन्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जब महिलाओं में मीनोपॉज के टाइम ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो पेशेंट में CVD की रिस्क बढ़ जाती है। इसी में नंबर तीन है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में मीनोपॉज के कारण ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और देखा गया है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। इसमें होता क्या है, वेजाइना और यूट्रस के जो टिश्यूज होते हैं उनकी इलास्टिसिटी लूज पड़ जाती है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है, जो महिला होती है, उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ हो जाती है, उससे बार बार पेशाब आती है और छींकने और खांसने पर उसका यूरिन पास हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है हेमामेलिस वर्जिनिका। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है मीनोपॉज के दौरान, और जो ब्लड का कैरेक्टर होता है वो डार्क कलर का होता है, और साथ में उसको कमर में बीरिंग डाउन पेन होता है और उसके पेट में भी दर्द साथ में बना रहता है, और कभी कभी इसी के साथ पेशेंट को पाइल्स की समस्या भी हो जाती है और वो भी ब्लीडिंग पाइल्स होता है। तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, और इस मेडिसिन को हम क्यू फॉर्म मीन्स टिंचर फॉर्म में भी दे सकते हैं और पोटेंसी फॉर्म में भी दे सकते हैं। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है थैलेसपी बर्सा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसका मेंसेस प्रीपोन होने लगता है, मींस वह एक साइकिल से रिकवर हो नहीं पाती, उसकी दूसरी साइकिल मेंसेस की शुरू हो जाती है, और इसमें ब्लड का कैरेक्टर जो होता है बहुत डार्क होता है, बहुत क्लॉटेड होते हैं, और साथ में पेशेंट को फाइब्रॉइड भी हो सकता है, और पेशेंट को यूट्रस वाले हिस्से में, पेट वाले हिस्से में बहुत ज्यादा वॉयलेंट पेन होता है दोस्तों। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है पल्सिटला। दोस्तों, इस मेडिसिन का महिलाओं की बीमारी में इतना अच्छा रोल है कि इसे फीमेल रेमेडी कहा जाता है। जब मीनोपॉज के टाइम महिलाओं को स्केंटी मेंसेस होता है, मतलब मेंसेस फ्लो कम होता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, और इस जो मेडिसिन होती है इसका फिजिकल से ज्यादा मेंटल सिम्टम्स पे बहुत अच्छा रोल है। यदि मीनोपॉज के टाइम पे पेशेंट जो है वो इरिटेबल हो रही है, उसको बहुत एंजाइटी है और वह बात बात पर रो देती है, इमोशनल हो जाती है, और उसको कोई कंसोल करे तो उसे अच्छा फील होता है, उसका मूड स्विंग होता रहता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। और वह पेशेंट थोड़ी सी एनेमिक भी मिलेगी आपको, यदि पूरे सिम्टम्स उस महिला के साथ मैच कर रहे हैं मीनोपॉज के टाइम पर, तो इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है दोस्तों। इस कड़ी में नंबर चार पर मेडिसिन है लैकेसिस। दोस्तों, होम्योपैथिक में लैकेसिस का क्लाइमेट्रिक पीरियड में, मतलब जो मीनोपॉज का टाइम है महिलाओं का, इसमें बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। जब पेशेंट को बहुत गर्मी लगती है, सफोकेशन फील हो रहा है, उसको टाइट क्लॉथिंग बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं है ड्यूरिंग मीनोपॉज, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है सीपिया।
यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट बहुत वीक दिखती है, उसका कॉम्प्लेक्शन येलो दिखता है और वो बहुत डल लुकिंग दिखती है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। पेशेंट के जो मेंसेस होंगे वो इरेगुलर होंगे, या तो वो जल्दी आ जाएंगे तो स्कैंटी होंगे, और यदि बहुत रुक के आएंगे, प्रोलॉन्ग आएंगे, तो प्रोफ्यूज फ्लो हो सकता है। साथ में पेशेंट को सफेद पानी की शिकायत भी रहती है, उसके काम उसकी कमर में दर्द बना हुआ रहता है। पेशेंट को ब्रीदिंग डाउन सेंसेशन होता है, मींस उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो यूट्रस है या बच्चादानी है वो प्रोलैप्स कर जाएगा नीचे। और साथ में उसको एक सिम्टम और देखा गया है कि पेशेंट को हॉट फ्लशेस भी बहुत आते हैं, उसको बहुत गर्मी भी लगती है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की टिप्स के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, मेरा कोई भी वीडियो इस सेक्शन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी है, अकेला मेडिसिन उसको क्योर नहीं कर सकती, कुछ लाइफस्टाइल में चेंज लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज। और मेनोपॉज के टाइम पे तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें नंबर वन पर है, जो महिला मेनोपॉज से गुजर रही है उसको अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से इस बारे में खुल के बात करना चाहिए। उससे उसके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड समझेंगे कि वो क्यों मूड स्विंग उसका हो रहा है, या वो डिप्रेशन में है, या वो एंजाइटी में है, इससे उसको हेल्प मिलेगी। 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी कोई पुरानी हॉबी को डेवलप करें या कोई नई हॉबी डेवलप करें। ये जो प्रोसेस है ये इनको हेल्प करेगी उस मेनोपॉज के पीरियड से इजीली बाहर निकालने में। मेनोपॉज के दौरान कोई भी मेंटल सिम्टम, चाहे वो चेंजेबल ऑफ मूड हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो इमोशनल होना हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, यदि 2 महीने से ज्यादा लगातार बने हुए हैं तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के बारे में। फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव रखना जरूरी है। इसमें नंबर वन पे ये है कि महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली कीगल एक्सरसाइज। इससे पेशेंट की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होंगी वो स्ट्रांग बनेंगी, जिससे कि पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ नहीं होगी। नंबर 2 पर है रिलैक्सेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे पेशेंट की एंजाइटी कम होगी। और नंबर 3 पे ये है कि यदि महिला है और वो अल्कोहल या टोबैको स्मोकिंग करती हैं तो वो भी उनको क्विट कर देना चाहिए। और नंबर 4, पेशेंट को या महिला को अपने खाने में फाइबर डाइट, होल ग्रेन फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ा देना चाहिए, जिससे उनको मेनोपॉज के पीरियड में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने में, हील करने में यदि हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।